बहुत ही यूनिक चीज अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये देखिए गाइज, यहाँ पर ब्रांड फैक्ट्री हुआ करता था गाइज, ये देख सकते हो आप, ये ब्रांड फैक्ट्री था जो कि अभी बंद हो गया है। और यहाँ पर अभी पैडी के शोरूम्स 8 Lane Road में काफी ज्यादा है। इधर आप देख सकते हो हुंडई का भी शोरूम है जो कि आप देख सकते हो। गाइज आप लोग बार बार ध्यान से एक चीज जरूर सुन लेना कि ये है खगौल रोड जो कि ये वीरान हुआ करता था एक समय में। Hey guys, welcome back to my new video। बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। अभी पटना में डेंगू का कहर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग भी सेफ रहिए। बहुत ज़्यादा अभी डेंगू इतना तेज़ी से फैल रहा है लोगों में और ये बहुत गंभीर बीमारी है। मतलब प्लेटलेट इतना डाउन कर देता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपका एनर्जी इतना लॉस कर देगा कि आप चल भी नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे में भी वैसा ही सेवरल लग रहा था कि मुझे भी डेंगू हुआ है, बट मैं लगभग 3-4 दिन में रिकवर हो गया। बट मेरे फैमिली मेम्बर में हो गया था डेंगू, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो भी नहीं आ रही थी और मैं थोड़ा इसी में डिस्टर्ब हो गया था। तो आज मैं, कल दिवाली था और आज मतलब दिवाली के उपलक्ष में 8 Lane Road में हमारे बहुत सारे शोरूम्स का ओपनिंग हुआ है, तो वही मैं आप लोग को, मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि 8 Lane Road में मतलब कौन कौन से नए नए ब्रांडेड शॉप्स खुले हैं, वही मैं आज आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं। और आज खुशबू अपाची चला रही है, मैं तो चलाऊँगा नहीं, आज वही चलाएगी। देखिए दिखाता हूँ आपको पास से, बहुत, चलो चलाओ, देखिए यही चलाएगी आज, चल जाएगा तुमसे। प्रचार क्यों कर रहा है? ये तो बुलेट भी चला लेती है, चला चला। तो गाइस अभी हम लोग हैं देखिए सगुना मोड़ पर और यहाँ पे छठ पूजा की किस तरह से तैयारी चल रही है। आम की लकड़ी है ये सब और बेचारे गरीब भाई यही लकड़ी अगर ये ना बेचे तो हम आम की लकड़ी भी नसीब ना हो। तो छठ पूजा की भी आप लोग को हार्दिक बधाई, आप लोग भी सेफ छठ मनाइए बहुत अच्छा। इस बार गंगा का पानी बहुत ज़्यादा उफान पर है, इसलिए घाट पर बहुत कम जाने की कोशिश करें, घर पर ही मनाएं। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं यही फर्स्ट 8 Lane Road में। इसमें दिवाली में बहुत सारे शोरूम का ओपनिंग हुआ है और सारे शोरूम अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से शोरूम का ओपनिंग हुआ है। ये तो डिजिटल है, इसका तो बहुत ही पहले ओपनिंग हो चुका था। और इधर आप देख सकते हो V2 है, V2 का भी ओपनिंग हो गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मतलब इस रोड में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे शोरूम हमारे जो है दिवाली में ओपनिंग हुई है जिसकी, और दिवाली से कुछ दिन पहले भी हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो चलते हैं, ये देख सकते हो ये बीकानेरी लाइट है, इसका भी 8 Lane Road में, मतलब ये भी बीकानेरी लाइट है, ये भी नया ही खुला है अभी, इसके ऊपर बजाज का शोरूम है। और इधर आप देख सकते हो डायमंड फर्नीचर खुला है और इसके नीचे श्री हरि ज्वेलर्स, इसका भी अभी हाल फिलहाल में ही ओपनिंग हुआ है। और ये कुछ अपडेट यहाँ का, पहले इस 8 Lane Road में गाइज मतलब बस जंगल हुआ करते थे और आज के डेट में जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स हैं सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कौन सा शोरूम है जो इसमें नहीं होगा। सगुना मोड़ बहुत ही प्रचलित एरिया, खगौल रोड बहुत ही प्रचलित एरिया में आ गया है, पूरे पटना में विकास कर गया है ये। और इसको बनाने का जो कार्यक्रम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। 8 Lane Road बहुत जगह हो गया है बट अभी बहुत जगह नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नहीं हुआ है, इधर हो चुका है, मतलब हो रहा है, तेज़ी से काम हो ही रहा है। ASGI Hospital ये भी अभी नया ही खुला है, ये भी आप देख सकते हो आई का हॉस्पिटल है, ये भी 8 Lane Road में है। और ये जो हॉस्पिटल है गाइज वो एम्स न्यू दिल्ली से प्रमाणित है, बहुत ही मतलब अच्छा हॉस्पिटल है आई के मामले में, बहुत ही ब्रांडेड। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो ये है रिलायंस ट्रेंड्स जो काफ़ी लोगों का लोकप्रिय है, इसका भी ओपनिंग हो चुका है इस 8 Lane Road में गाइज। मतलब ट्रेंड्स अब आपको खगौल रोड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही यूनिक चीज़ अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ये देखिए गाइज मतलब ब्लैकबेरी का शोरूम भी अब आप लोग को 8 Lane Road में मिल जाएगा। और ये बगल में लेंसकार्ट का शोरूम और काफ़ी बढ़िया ये शांति गैलरी के नाम से फेमस ये बिल्डिंग। और इधर देख सकते हैं आप 8 Lane Road का काम इधर भी अभी चल रहा है, रिसेंटली अभी ये सब काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस में है। और भी आप आगे आप लोग को लेकर चलते हैं, अभी तो हम लोग थोड़ा ही चले हैं तो इतने शोरूम्स मिल गए, अभी आगे भी चलते हैं। यहाँ पर ब्रांड फैक्ट्री हुआ करता था गाइज, ये देख सकते हो आप, ये ब्रांड फैक्ट्री था जो कि अभी बंद हो गया है और यहाँ पर अभी फैशन फैक्ट्री के नाम से खुल रहा है एक शोरूम जिसका अभी ओपनिंग नहीं हुआ है। बट इसके बगल में जो लोटस का
आपको फर्नीचर हाउस मिल जाएगा देखने के लिए। इसका भी ओपनिंग अभी 10 दिन के अंदर ही में हुआ है। काफ़ी यूनिक ये फर्नीचर लोटस ब्रांड है ये, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि ये लोटस का भी शोरूम एटलेन रोड में खुल गया है। और इधर आप देख सकते हो क्यूरिस हॉस्पिटल, ये तो काफ़ी पुराना है, और बगल में लैंडमार्क गोल्ड अपार्टमेंट जो पटना का सबसे महंगा अपार्टमेंट है। हीरो का शोरूम है ये, हीरो का शोरूम भी एटलेन रोड में खगौल रोड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एटलेन रोड में कम से कम आपको 8 गाड़ी का शोरूम मिल जाएगा। और ये भी नया ही खुला है गाइस, इसमें भी आपको लाइट का दुकान, कार का एसेसरीज, मेडिकल शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे देखने के लिए। गाड़ी के शोरूम्स एटलेन रोड में काफ़ी ज़्यादा हैं। इधर आप देख सकते हो हुंडई का भी शोरूम है, जो कि आप देख सकते हो हुंडई का शोरूम है। और इस साइड आप देखोगे तो TVS का शोरूम है, संगीता TVS। और पहले ये RPS में हुआ करता था ख्याति के नाम से, जो कि अभी इधर आ गया है खगौल रोड में। और ये SSB कैम्प, ये तो आप लोग जानते ही होंगे जो। और ये देखे गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ये JB मॉल जिसका ओपनिंग, और JB मॉल ये भी पटना का सबसे बड़ा मॉल होने जा रहा है, मतलब इसका भी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। और JB मॉल आपने सुना होगा नाम, ये भी खगौल में ओपनिंग हो जाएगा इसका। गाइस आप लोग बार बार ध्यान से एक चीज़ ज़रूर सुन लेना कि ये है खगौल रोड, जो कि ये वीरान हुआ करता था एक समय में, इतना बिजी ये रोड हुआ नहीं करता था, मतलब इसमें रात में लोग चलना भी नहीं सोचते थे, मतलब इतना डरावना ये रोड हुआ करता था। और आज इसका विकास देखकर लोगों को मतलब आँख चार गुने हो जा रहे होंगे। और ये देखे गाइस, डोमिनोज और जूडियो दोनों एक साथ, बहुत ही मज़ेदार सीन। मतलब डोमिनोज का भी मज़ा लीजिए और जूडियो का भी मज़ा लीजिए। इसका अभी 4-5 दिन पहले ही ओपनिंग हुआ है, और ये भी शोरूम गाइस अब खगौल में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। डोमिनोज आप लोग ध्यान से देखें, डोमिनोज का भी लुफ्त लें और जूडियो का भी लुफ्त लें। फैशन और खाना दोनों पसंद है, वो यहाँ जरूर विजिट करें। जिनको फैशन और खाना दोनों पसंद है तो ज़रूर यहाँ विजिट करें। मैं तो एक बार ज़रूर आऊँगा यहाँ, आप आओ ना आओ मैं तो ज़रूर आऊँगा। आप लोगों को बताया था गाइस कि गाड़ी के शोरूम्स मतलब खगौल रोड में हैं, तो ये होंडा का भी शोरूम है, जो कि उस लेन में है, आप देख सकते हो उस लेन में है ये। और ये होंडा का शोरूम भी अब खुल गया IC होंडा के नाम से। और एक और इसका ब्रांच जो है आपको रूपसपुर नहर के नीचे है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल गाइस, एकदम संत कैरेंस के सामने है ये IC होंडा का शोरूम। ये संत कैरेंस स्कूल हो गया और इसके अपोजिट IC होंडा का शोरूम। ये आप देख सकते हो 8-लेन रोड का काम अभी रुका नहीं है, काफ़ी तेज़ी से ये काम चल रहा है। और कार वॉशिंग की तो मतलब यार 8-लेन रोड में बारिश ही हो गई है, हाइड्रोलिक कार वॉशिंग बहुत जगह खुल गया है। अगर आपको कार वॉशिंग करानी है बहुत बढ़िया, तो आप 8-लेन रोड में आके कार वॉशिंग भी करा सकते हो, बाइक वॉशिंग भी करा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ये यूनिक। और ये देख सकते हो गाइस, एक और नया ओपनिंग हुआ है बच्चों के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी आगे चलिए, लोग एक्साइटेड है देखने के लिए। ये देखिए गाइस, फर्स्ट क्राई खुल गया है अब खगौल रोड में, फर्स्ट क्राई एकदम बगल में, इम्प्रेशन होटल के बगल में फर्स्ट क्राई, 0 से लेकर 12 ईयर्स के बच्चों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका। इसमें अभी ऑफर भी चल रहा है और इसका ओपनिंग अभी फिलहाल 10 दिन के अंदर ही हुआ है। पहले गाइस खगौल रोड में एक भी पेट्रोल पंप नहीं था, बट आपको पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का आप देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब पहले गाइस बहुत सारे लोग जो है पेट्रोल पंप के लिए तरस जाते थे। इधर से देखे गाइस, खाली अपार्टमेंट दिखेगा आप लोगों को। खगौल रोड इतना विकास कर गया है, मुझे यकीन नहीं होता कि अब हम खगौल रोड में ट्रैवल कर रहे हैं। और पहले गाइस इसमें जो लोग ट्रैवल करते थे तो पेट्रोल पंप नहीं हुआ करता था, जो कि अभी पेट्रोल पंप एक खुल गया है इंडियन ऑयल के नाम से, तो ये आपको मिल जाएगा। और इधर मटन फेमस ददन हांडी भी मिल जाएगा आप लोग को, ये भी काफ़ी यूनिक है। ये काफ़ी पुराना हो गया है बट फेमस है अभी भी। अभी ये आपको छठ पूजा तक बंद रहेगा, छठ पूजा के बाद आप लोग को मिल जाएगा। और ये जावेद हबीब भी खुल गया है गाइस, आप देख सकते हो। और मॉकटेल उसके ऊपर, मॉकटेल अपना ही कैफे है, मॉकटेल के भैया का है। अच्छा यही है क्या? हाँ। और ये खुशबू की दोस्त के भैया का है मॉकटेल, तो आप कभी भी आओ तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ रिबेट जरूर करा दूंगा मैं। और जावेद हबीब भी खुल गया है, काफ़ी यूनिक। जावेद हबीब का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो ये भी काफ़ी यूनिक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और क्या ओपनिंग हुआ है चलते हैं आगे। बहुत दिनों के बाद खुशबू राइड कर रही है गाड़ी, और बहुत अच्छा राइड कर लेती है ये, बुलेट वगैरह भी चला लेती है। क्या कहने का मतलब? अगर आप हायाबुसा भी दोगे तो ये चला लेगी।
और हम लोग हायाबुसा बहुत जल्द होने वाले हैं गाइस, आप लोग हमारे पास दो चार फॉर्च्यूनर रखी है, वो चलाते हैं हम लोग, निकालते नहीं कभी वो बात। और गाइस ये भी देख सकते हो आप, ये भी विनी केक जो है, ये भी ब्रांड है, ये भी अभी नया खुला है, जो कि मेरे दोस्त का है। अगर आप इधर आओ तो वुमेन्स क्लिनिक है, ब्लिस वुमेन क्लिनिक भी खुला है, और ये विनी केक जो है मेरे ही दोस्त का है। तो कभी भी आप आओ तो डिस्काउंट जरूर दिला दूंगा, 100% एगलेस केक आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, स्नैक्स वगैरह भी मिलता है इसमें। यहाँ आने के बाद ना एकदम मज़ा आ जाएगा, मतलब देखो विनी केक है, कुछ मीठा हो जाए, फिर मोमो नेशन है बगल में, फिर ऊपर में अगर किसी को बगल में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वुमेंस क्लिनिक यहीं पे खुल गया। मतलब ये जो है ना, ये छोटे में ही इतना बड़ा चीज़ खोला हुआ है इन्होंने ना, कि क्या बताऊँ, बहुत चलेगा ये, बहुत यूनिक। गाइज ये एक नया रिजॉर्ट भी ओपन हुआ है, द ऑर्गेनो रिजॉर्ट, ये भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है और काम भी चल रहा है, बट इसका ओपनिंग हो चुका है गाइज, आप इसमें बुकिंग करा सकते हो, कोई भी ओकेजन में, वेडिंग हो, बर्थडे पार्टी हो, बहुत सारे ओकेजन में आप इसको बुक करा सकते हैं। HDFC बैंक भी खुल गया है गाइज 8 Lane Road में, ये भी आप लोग रिजॉर्ट के जस्ट अपोजिट, ऑर्गेनो रिजॉर्ट के जस्ट अपोजिट में आपको HDFC बैंक मिल जाएगा देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग को बैंक के बारे में भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बैंक कहाँ है, तो गाइस खगौर रोड में नहीं था, अब हो गया है गाइस। अभी खगौर रोड में बहुत कम बैंक है, सबना मोड़ में ज़्यादा हब है बैंकों का, लेकिन अभी खगौर रोड में नहीं है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बैंक्स वगैरह अभी खुलेंगे, आप देख लेना तेजी से। ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा ये कार वॉश वाला खुला है, कार वॉश और सर्विस भी हो जाती है यहाँ पर, और पूरा खगौल का सबसे बड़ा ये कार वॉशिंग सेंटर खुला है, काफ़ी बड़ा, जो कि मकराना मार्बल के बगल में ही है, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। गाइस अब हम लोग रेलवे स्टेशन के बहुत ही नज़दीक थे, तो जितने भी रिसेंट में जो ओपनिंग हुए हैं शोरूम्स के, वो आप लोगों को जानकारी मैंने दे दी। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी गाइस कि मतलब 8 Lane Road का भी क्या प्रोग्रेस है और कौन कौन से शोरूम वगैरह अभी ओपनिंग हो गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी लोगों को, तो ये सारी जानकारी मैं आप लोग तक लेकर आ गया हूँ। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाए, लेकिन ब्लॉग आप लोग यार कमेंट भी नहीं कर रहे थे, मुझे मिस भी नहीं कर रहे थे, कोई कमेंट कर दिया करो तो थोड़ा सा उत्साह बनता है, कमेंट करते नहीं हो यार। और लाइक करो, शेयर करो, एंड ऑफ द ब्लॉग, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फेस्टिवल मनाते रहो, और फेस्टिवल में अभी ब्लॉग आते रहेंगे, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है मेरा, और अभी आप लोग को ब्लॉग में देते रहूँगा, तो सपोर्ट करिए गाइज, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ। और खुशबू कुछ बोलना चाहोगे आप? ओके बाय।